हाय फ्रेंड्स, पहला दिन जैसे आज भी मैं और एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आप लोगों को सामने हाजिर है। ये जॉब नोटिफिकेशन आई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, ऑल इंडिया जॉब है ये। और इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट और कब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो पे मैं फुल डिटेल्स दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, कोई भी फ्रेंड्स अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। दोस्तों नोटिफिकेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ओके। और यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर है, अलग अलग है, ओके, स्टेट वाइज, ओके, गुवाहाटी, बरौनी, ओके, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, ओके, अलग अलग है। और यहाँ पर देखिए नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, ओके। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग इन इंडिया एंड ए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी, ओके। और 466 है वैकेंसी। और देखिए नंबर नेम ऑफ द पोस्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके, IOCL टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, ओके, ये है टोटल वैकेंसी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कोर्ट डिसिप्लिन ट्रेड क्वालिफिकेशंस रिफाइनरी प्रियरअप ट्रेनिंग, और यहाँ पर देखिए सीट पर रिफिनरी, ओके, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर्स भी, टोटल वैकेंसी, ओके, सीट, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी UR EWS SC ST OBC PW BD, ओके, ये है। और फर्स्ट पे देखिए दोस्तों कोट 101 है, पोस्ट कोट। और डिसिप्लिन और ट्रेड देखिए जो पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर, ओके, केमिकल प्लांट डिसिप्लिन है केमिकल, यह पोस्ट। और क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए 3 ईयर्स BSc का फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका ये सब्जेक्ट है, तो ग्रेजुएशन पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और ये है गुवाहाटी, बरौनी, ओके, और गुजरात, हल्दिया, ये है रिफाइनरी, ओके, कंपनी का स्टेट। और यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 12 मंथ्स। और यहाँ पर टोटल सीट, ओके, मैं पहले देखा लिया टोटल सीट। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज सीट है, ठीक है। और 2 नंबर पे देखिए दोस्तों 102 पे ट्रेड अप्रेंटिस, ओके, फिटर, डिसिप्लिन है मैकेनिकल, ठीक है, यह है पोस्ट नेम। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ 2 ईयर ITI फिटर कोर्स, आप मैट्रिक पास और 2 ईयर का ITI फिटर कोर्स लेके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और ये है, ये स्टेट है कुमार का स्टेट। और यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग 12 मंथ, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 103 कोड पे ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर, ओके, और डिसिप्लिन देखिए मैकेनिकल। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन देखिए अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए 3 ईयर्स BSc फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब ग्रेजुएशन पे इस सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये है दोस्तों कंपनी का जो स्टेट, ओके, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट। उसके बाद देखिए दोस्तों 104 कोड पे क्या है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ओके, और डिसिप्लिन देखिए केमिकल। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन देखिए 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स डिप्लोमा ये सब्जेक्ट लेके आप पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट है, उसके बाद ट्रेनिंग देखिए 12 मंथ है ट्रेनिंग, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट। उसके बाद देखिए दोस्तों 105 कोड पे क्या है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, और क्वालिफिकेशन देखिए, ओके, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप 3 ईयर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेके कोर्स लेके आप कंप्लीट है तो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और डिसिप्लिन देखिए मैकेनिकल, ओके, और ये स्टेट है, और ट्रेनिंग है 12 मंथ्स, ओके, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट। उसके बाद देखिए दोस्तों 106 पे टेक्नीशियन
अप्रेंटिक ओके डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओके। और स्टेट है ये, और ये भी 12 मंथ है ट्रेनिंग। और देखिए दोस्तों 107 पे टेक्नीशियन अप्रेंटिक्स है। और डिसिप्लिन देखिए दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन ओके, ये है डिसिप्लिन। और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन वो है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है तो ओके कोर्स 3 इयर्स का डिप्लोमा, और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये है स्टेट, और 12 मंथ है ट्रेनिंग, और ये है कैटेगरी वाइज सीट। उसके बाद देखिए दोस्तों 108 पे क्या है, ट्रेड अप्रेंटिक्स ओके, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ओके। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन वो है 3 इयर्स बीए बीएससी और बीकॉम ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन आप कंप्लीट किया तो इस प्रकार से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ओके। और यह है स्टेट, और देखिए 15 मंथ है ट्रेनिंग ओके, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट। उसके बाद देखिए दोस्तों 109 पे ट्रेड अप्रेंटिक्स अकाउंटेंट है ओके। पोस्ट अकाउंटेंट पे अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स बीकॉम, आपको बीकॉम कॉमर्स लेके आपको 3 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ओके। और ये है स्टेट। उसके बाद पीरियड ऑफ ट्रेनिंग देखिए 12 मंथ ये भी है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट है ओके। और उसके बाद देखिए दोस्तों एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन ओके, बिलोंग है SC ST OBC एंड PWBD के लिए। और देखिए यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 24 इयर्स ओके, और 28 फरवरी 2019 से। और रिलैक्सेशन भी है देखिए ST का SC ST ठीक है 5 इयर्स है, और OBC के लिए 3 इयर्स है ठीक है। और देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट ओके, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं ठीक है, 16 फरवरी 2019 से शुरू हो गई है। और लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च 2019 है ओके, लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन करने के लिए। उसके बाद देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ओके, ये है 22 मार्च 2019 है। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ राइटिंग एग्जाम देखिए, राइटिंग टेस्ट होगा 24 मार्च 2019 ओके। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ राइटिंग टेस्ट रिजल्ट होगा ओके, रिजल्ट पब्लिश होगा 29 मार्च 2019 ओके। उसके बाद देखिए टेंटेटिव डेट्स ऑफ इंटरव्यू डेट है ओके, 1 अप्रैल 2019 to 5 अप्रैल 2019, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंस डेट ऑफ कैंडिडेट लिए। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए लिंक, आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आप इस पोस्ट पे इंटरेस्ट है तो और एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करना। और आप लोग इस वीडियो को पसंद किया तो जरूर लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि जब मैं नया नोटिफिकेशन लेके वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।